हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैडी है और आज इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया का BY MM1। तो ये माइक मैं बहुत दिनों से लेने की सोच रहा था, बट थोड़ा सा जो है प्राइसिंग में मुझे ज़्यादा लग रहा था और उसके साथ साथ दोस्तों मार्केट में फेक कॉपीज़ भी बहुत सारी अवेलेबल है। मैंने इसको 1250 रुपीज़ में खरीदा। अगर आप लोग को भी खरीदना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ फ्लिपकार्ट अमेजन की, तो आप लोग जरूर से जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट में खरीदोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें ओरिजिनल ही लेना है। ओरिजिनल और फेक दोनों में कैसे कंपेरिजन होने वाला है वो भी आप लोग को बताने वाले, हालांकि मेरे कोई फेक अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जो है इसकी भी ऑनलाइन रिसर्च की है। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, बॉक्स में जो फेक होगा उसमें भी ऐसे ही होगा और नॉर्मल जो है जेन्युइन उसमें भी ऐसे होगा, बट जैसे ही आप ये लेबल को खोलते हो आपको अंदर एक QR कोड मिलेगा और उसके नीचे एक नंबर भी लिखा है, तो वो आप मैं जो एक वेबसाइट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाके उसको जेन्युइन है कि फेक है वो सारी चीज़ें वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो नंबर डाल के। सेकेंड दोस्तों, यूनिवर्सल माइक्रोफोन लिखा है ना, उसके नीचे आप लोग को यहाँ पे एक चाइनीज़ में लिखा होगा, अगर वो चाइनीज़ में लिखा है मतलब वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, अगर नहीं है तो दोस्तों आपको कोई भी जो है सेम बोया नाम का ही आप लोग को कोई जो है दूसरा डुप्लीकेट माइक आप लोग को चिपका रहे हैं। वीडियो में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले, बट हम लोग ये भी चेकआउट करने वाले हैं रियल वर्सेस फेक। उसके साथ साथ हम लोग जो है इसकी ऑडियो टेस्ट भी करेंगे, ब्लास्ट में हम लोग चेकआउट करेंगे कि साउंड टेस्ट की कैसी है और बैकग्राउंड नॉइज़ क्लियर करता है कि नहीं, वो सारी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, पीछे की साइड में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी और अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे दो सेक्शन हमें मिलते हैं, एक है माइक का सेक्शन और दूसरा वाला है जहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी एक्सेसरीज मिलती है। एक्सेसरीज में आप लोग को ठीक से बता रहा हूँ, सारे के सारे ध्यान से सुन लो क्योंकि GoPro के ऊपर आपके स्मार्टफोन के ऊपर थोड़ी बहुत डिफरेंट एक्सेसरीज लगने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को विंडस्क्रीन मिल जाती है और बहुत अच्छी तरीके से ये नॉइज़ कैंसिल करती है, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो वो कैंसिल कर देती है। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो माइक है बोया MM1, उसके ऊपर ब्रांडिंग है, नीचे के साइड में आप लोगों को 3.5 mm जैक डालने के लिए मिल जाता है और उसके साथ साथ दोस्तों ये माइक है पूरा मतलब टोटल क्वालिटी मेटल से बना हुआ है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जबकि आपको फेक वाले में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलने वाली। उसके साथ दोस्तों ये एसेसरीज में हमें और चीज़ें मिलती है, जैसे कि ये माउंट है जो हम हमारे कैमरा के ऊपर लगा सकते हो, तो भले वो आपके पास कोई भी मिररलेस कैमरा हो वरना DSLR हो उसके ऊपर आप लोग लगा सकते हो, इस तरह से कुछ है। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को और एक केबल मिलती है, तो दोस्तों ये 3.5 mm की केबल है, वो दोनों भी एक ही चीज़ के लिए नहीं है, ये वाले में आप लोग देख सकते हो दो ही यहाँ पे आप लोग को मिलते हैं लाइंस, तो दोस्तों ये वाली है वो आपके कैमरा और PC के लिए सपोर्ट करने वाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कैमरा और PC के लिए ये बिल्कुल चल जाएगी। और दूसरी वाली आप लोग को ये इस तरह से कुछ मिलती है जो आपके स्मार्टफोन और GoPro के लिए वर्क करेगी, तो GoPro और स्मार्टफोन में ये वाली केबल आपकी लगने वाली है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कुछ जो है बोया के स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, वो भी मैं आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूँ। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक बैग मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बॉक्स को हर बार कैरी करना मुश्किल है, बट बैग के अंदर आपका माइक और सारी चीज़ें एक साथ रह सकती है, तो जो भी आपको नीड है वो आप बैग में रखोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है विंडस्क्रीन को और आप लोग देख सकते हो इस तरह से कुछ इसकी क्वालिटी है, टोटल मेटल से बना हुआ है जो कि आपके फेक माइक में बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वो थोड़ा सा जो है आप लोग को क्वालिटी उसकी जो है इतनी खास नहीं मिलने वाली, हालांकि दोनों के साउंड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट अगर वो सेम प्राइस में आप लोग को ब्रांडेड मिल रहा है तो क्यों आप फेक लोगे। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें मिलती है, वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल और यहाँ पे आप लोग को एक बोया का स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग चेकआउट करते हैं विदाउट बोया माइक और विद बोया माइक कितना जो है यहाँ पे हमारे वीडियो में इफेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरनल माइक्रोफोन से कैमरा के, तो आप लोग देख सकते हो कितना नॉइज़ यहाँ पे आ रहा है और एकदम आउटसाइड हूँ, और अगर आप लोग को ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करना तो आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे इसे रिकॉर्ड हो रहा है और साउंड कैसे आ रही है। दोस्तों फाइनली हमने कनेक्ट किया है हमारा बोया का MM1 शॉटगन, जो कि आप लोग देख सकते हो उससे ही अभी जो है साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ी सी सेटिंग हमने की, अगर आप लोग को वो भी जाननी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता सकते हो, उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, बहुत इजीली क्या क्या जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो सारी बताएंगे, कौन सी सेटिंग जो है कैनन वगैरह निकॉन के लिए करनी चाहिए जो है आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों इस तरह से कुछ है इसकी रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग की क्वालिटी, और थोड़ी सी सेटिंग आप लोग को पहले करने पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो आपको सिमिलर साउंड आने वाला है जैसे आपके इंटरनल माइक्रोफोन से आता है। तो मोबाइल से और DSLR से कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो लाता हूँ जहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स और सारी चीज़ें प्रॉपरली आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।